वाह, जब इतना टेस्टी मिठाई हो तो देख के किसी के भी मुंह में पानी आ जाएगा और खाने का मन करेगा। तो ये मिठाई मैंने बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम समय में बनाया है, इसको कोई भी बना सकता है। तो फ्रेंड्स चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम टू डोलियन किचन फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ ब्रेड की मिठाई। तो ब्रेड की मिठाई बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 5 ब्रेड लिया है और 4 चम्मच यहाँ पे मैंने मलाई लिया है, 1 कटोरी मैंने चीनी लिया है और खोया लिया है। तो हम पहले चाशनी बनाएंगे। तो यहाँ मैंने चीनी कढ़ाई में डाल दिया है और जिस बाउल से मैंने चीनी लिया है उसी बाउल से आधा बाउल हम पानी डालेंगे। हमें ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है, एक चपचपी सी हमें चाशनी बनानी है। तो लगातार हम चाशनी को चलाते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं चीनी हमारा मेल्ट हो रहा है। यहाँ मैंने गैस का फ्लेम मीडियम रखा है। तो इसमें मैं 2 हरी इलायची तोड़ के डाल दूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं या तो केसर भी डाल सकते हैं, उससे एक अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो लगातार इसको चलाते रहेंगे। तो चाशनी हमारी बन चुकी है, अब हम चाशनी को उतार लेंगे। तो अब हम ब्रेड की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ मैंने प्लास्टिक का ढक्कन लिया है, इसी से हम इसको कटिंग करेंगे गोल गोल शेप में। आप चाहें तो किसी और भी शेप में इसको कट कर सकते हैं। तो ऐसे ही करके हम सारे ब्रेड को कट कर लेंगे, ये बहुत ही आसानी से कट जाता है। तो यहाँ पे मैंने सारे ब्रेड कट कर लिया है, अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने घी लिया है, घी हमारा गरम हो चुका है, अब इसमें हम फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे घी में कर रही हूँ। घी में फ्राई करने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो ऐसे ही करके सारे ब्रेड को हम फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाता है। तो ब्रेड हमारा फ्राई हो चुका है, अब इसको हम निकाल लेंगे। ऐसे ही करके हम सारे ब्रेड को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे ब्रेड फ्राई कर लिया है। अब जो मैंने खोया लिया था, खोया थोड़ा ड्राई हो चुका है तो उसको मैं नरम कर लूँगी। तो कढ़ाई में 2 चम्मच घी था, उसी में हम खोए को डाल के थोड़ा सा नरम कर लेंगे। तो खोया हमारा आसानी से नरम हो चुका है। उसमें 1 चम्मच मैं पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चीनी हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है, अब हम इसको निकाल लेंगे। तो जो मैंने चाशनी बनाया था उसमें फ्राई किया हुआ ब्रेड डाल देंगे। चाशनी हमारी हल्की सी गर्म है तो चाशनी में हम ब्रेड को डाल के बस 1 मिनट के बाद चाशनी से बाहर निकाल लेंगे। तो 1 मिनट हो चुका है, अब हम सारे ब्रेड को बाहर निकाल लेंगे। बहुत ही टेस्टी ये मिठाई बनती है। अगर आपके घर में पार्टी हो या कोई मेहमान आ रहे हैं तो आप इसको झटपट से बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, तो जो खोया है उसमें अब इसकी हम कोटिंग करेंगे। तो एक ब्रेड पे हम खोया रखेंगे और दूसरे पे हम मलाई रखेंगे और फिर दोनों को एक पे रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना देखने में भी सुंदर लग रहा है और खाने में भी टेस्टी तो है ही। तो आप लोग ज़रूर एक बार इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी और झटपट बनने वाली ये मिठाई है और बच्चे से लेके बड़ों तक सबको ये पसंद आता है। तो ऐसे ही करके हम सारी फिलिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सारी फिलिंग कर लिया है, अब सर्व करने से पहले ऊपर से थोड़ा थोड़ा मलाई रख देंगे ताकि देखने में भी सुंदर लगे और खाने में टेस्टी तो है ही। तो ऐसे ही करके मलाई थोड़ा थोड़ा ऊपर रख देंगे। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट से भी गार्निशिंग इसकी कर सकते हैं। तो हमारी मिठाई सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी आज की ये मेरी रेसिपी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।